दोस्तों, यह है एक लाइटिंग डिटेक्टर सर्किट और इसका जो एंटेना है उसको मैंने बनाया है 10 1N 4148 जीना डायोड की मदद से। थंडरस्टॉर्म होने पर जो RF फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है उसको पकड़ेगा दोस्तों। और इसका जो एम्पलीफिकेशन सर्किट है वो हम एक NPN ट्रांजिस्टर BC547 की मदद से बनाएंगे। 3 BC547 ट्रांजिस्टर हमको चाहिएगा दोस्तों। आसमान में हम लोगों को जो लाइटिंग दिखता है वो 3 से 4 टाइप का होता है, जैसे क्लाउड टू क्लाउड, क्लाउड टू एयर, क्लाउड टू ग्राउंड। हर तरह की लाइटिंग में कुछ RF फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब रेडियो ऑन रहता है इस थंडरस्टॉर्म के टाइम में तो चैनल को ठीक से पकड़ नहीं पाता, कुछ डिस्टरबेंस आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा। तो इसीलिए मैंने इस सर्किट को ऐसी तरीके से डिजाइन किया है कि उस डिस्टरबेंस को ये बहुत अच्छी तरीके से पकड़ ले। दोस्तों, इस सर्किट को पावर सप्लाई देने के 9 से 12 वोल्ट यूज करना है, ये 3 वोल्ट नहीं यूज करना है आप लोगों को। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लोग एक साथ जुड़ के कुछ धमाल मचाएं।